सतना जिले के मेहर में मां शारदा पहाड़ी में संचालित रोपवे कंपनी द्वारा किराए वृद्धि को लेकर मेहर ब्लॉक कांग्रेस ने 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर धरना स्थल से खदेड़ा है। कांग्रेसियों की मांग है कि रोपवे किराए में जो वृद्धि की गई है उससे वापस लिया जाए, विकलांगों के साथ एक अटेंडेंट को भी जाने दिया जाए। इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मेहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी मांगों को समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। एसडीएम महोदय द्वारा आवेदन लेके संबंधित कार्यकर्ता उनकी कांग्रेस के पदाधिकारियों को बता दिया गया कि जो भी आवेदन है वो ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया हुआ है, जो रोपवे का किराया भी कितने बढ़ा है, कुछ व्यवस्थाओं के लिए, विकलांग के साथ जाने के लिए, शौचालय इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। तो जो अगली बैठक होगी समिति की, उसमें इसको रखा है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार। रोपवे लगाया गया था श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर उसको लूट का अड्डा बना दिया है। जो किराया 30 जनवरी तक 116 रुपए था, उसको डायरेक्ट बढ़ा के 150 रुपए कर दिया। मैहर के रोपवे प्रबंधन के द्वारा ये जो अनावश्यक रूप से 34 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, ये हमारे यात्रियों को जो बाहर से आते हैं और मैहर वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, लूट है। हम सब ने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये आज धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी रोपवे में की।